हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं हूं कवलजीत कुमार, स्वागत है आपके अपने चैनल के मैकेनिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी अगर धुआं उठा रही है, मोबिल खा रही है, तो उसको कैसे ठीक करें या फिर कैसे ठीक करवाएं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हीरो का सीडी डिलक्स बाइक है। इसका सबसे पहले हम हेड और सिलेंडर खोल के उतार लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। आप देख सकते हैं हेड अब खुल चुका है। हेड को अब हम उतार लेते हैं। हेड अब उतर चुका है, अब हम इसका सिलेंडर भी उतार लेते हैं। पिस्टन का लॉक निकाल के पिस्टन को बाहर निकाल लेते हैं। धुआं उठाने का मुख्य कारण यहीं से होता है। अगर आपकी गाड़ी धुआं उठाने लगे, मोबिल इंजन से ख़त्म होने लगे, तो इसी को चेक करवाइए। अब सबसे पहले तो हम रिंग को पिस्टन से अलग करके चेक करेंगे कि पिस्टन में दिक्कत है कि रिंग में दिक्कत है या फिर दोनों में दिक्कत है। ऊपर से दो रिंग कंप्रेसर के लिए होते हैं और नीचे जो पतली रिंग है वो ऑयल रिंग होता है। सबको बाहर निकाल के हम चेक करते हैं। अभी पहले तो हम चेक करेंगे कि पिस्टन की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं इसमें 50 नंबर का रिंग पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि खराब पिस्टन जो होता है कुछ इस तरह का होता है। पिस्टन को सिलेंडर में डाल के चेक करेंगे कि काफ़ी कट के ढीला तो नहीं हुआ है। ढीला नहीं है, पिस्टन बिल्कुल सही है। अब हम रिंग को चेक करते हैं कि रिंग में गैप तो नहीं है। रिंग जब ख़राब होता है तो गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से धुआं उठाती है। देखिए, इतना लगभग 1 mm तक का गैप दिखा रहा है, यानी कि रिंग ख़राब है। इसी तरह हम सभी रिंग को चेक कर लेते हैं। इस रिंग में भी गैप दिख रहा है। ये रिंग भी, मतलब पूरा रिंग खराब है। हमने सारे रिंग को चेक कर लिया, रिंग खराब है। सारे रिंग में लगभग 1 mm का गैप दिखा रहा है। अब हम हेड को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हेड में जो कंप्रेसर वाल लगता है उसके ऊपर एक वाल सील लगी होती है। अगर वो कटा होता है तब भी यहाँ से धुआं उठाता है, और धुआं उठाने का काफ़ी चांसेस होता है। वाल लॉक को हमने छटका लिया है और वाल को बाहर निकाल लेते हैं। वाल बाहर निकल चुका है, अब हम वाल सील को भी निकाल लेंगे। अब देखिए, यही जिसको हम निकाल रहे हैं यही वाल सील है। ये जब लीक हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, तो यहाँ से भी मोबिल खाने लगता है, धुआं उठाने लगता है।
तो इसको भी हम चेंज करेंगे। देखिए वाल सील, यही वाल सील है, इसको भी हम चेंज करेंगे। रिंग तो ख़राब ही है, रिंग हम नया रिंग डालेंगे। और रिंग जो होगा आपका, अगर पिस्टन 50 नंबर है तो रिंग आपका उससे ओवर साइज लेना होगा, पर 75 नंबर रिंग लेना होगा। हमने 75 नंबर रिंग ले लिया है, अब इसको हम इसमें लगाएंगे सेट करके मिला के। चूँकि हमने रिंग ओवर साइज लिया है तो थोड़ा सा ओवर तो होगा। इसको एकदम साइज का करने के लिए इसको हम घिस के मिलाएंगे। देखिए थोड़ा ओवर है ये, तो इसको घिस के, जितना ओवर है उतना घिस करके मिला के हम सेट करेंगे। घिसते बाद आपको ध्यान देना है कि रिंग में गैप नहीं आना चाहिए, उतना ही जितना ओवर है उतना ही घिसना है आपको। इस रिंग को हमने घिस के मिला लिया है, ये रिंग एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं गैप भी नहीं है और ओवर भी नहीं है, ऐसा ही चाहिए। इसी तरह सभी नए रिंग को जो हमने ओवर साइज लिया है, सभी को इसी तरह घिस के मिला देंगे। आप देखते रहिए, सभी रिंग को पहले सिलेंडर में डाल के चेक करेंगे कितना ओवर है, हमको उतना ही घिसना है। देखिए ये इतना ओवर है, इसको इतना ही घिस के हम मिलाएंगे। ये रिंग भी एकदम रेडी है, अब देखिए एकदम परफेक्ट। इसका तो गैप भी नहीं दिख रहा कि कहाँ जॉइंट है इसका, इतना अच्छे से मिला है। आप जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना परफॉर्मेंस जो है इसका बढ़िया रहेगा, कंप्रेसर अच्छा होगा और धुआं उठाने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। सभी नए रिंग को हमने मिला लिया है, सभी को चेक कर लिया है, सब एकदम परफेक्ट है, ओके है। अब इसको हम पिस्टन में लगाएंगे। पिस्टन में लगाने के लिए आप देखिए, सभी को ध्यान से देखिए कैसे हम लगाते हैं। लगाने के लिए मतलब कोई भी रिंग की जो सिरा है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। अगर एक का सिरा इधर है तो दूसरे का सिरा इसके अपोजिट पीछे की साइड रहेगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए सभी रिंग को हमने पिस्टन में बिठा लिया है, सब रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और डाल के सिलेंडर में हम इसको बैठा देंगे। पिस्टन को सिलेंडर में बैठाते समय आपको इसी इन मार्क का ध्यान देना है। इन मार्क जो लिखा होता है पिस्टन पे, वो हमेशा कार्बेटर की दिशा में रहेगा, मतलब साइलेंसर के अपोजिट और कार्बेटर की दिशा में रखेंगे इन मार्क को। पिस्टन के इन मार्क को ध्यान में रखते हुए हमने पिस्टन को सिलेंडर में अच्छे से बिठा लिया है। अब हेड को भी रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वाल सील हम इसमें नया डालेंगे, ये वाल सील नया है, ये पुराना है। वाल सील को हमने अच्छे से लगा लिया है, अब हम वाल को भी अच्छे से इसमें सेट कर देंगे, वाल स्प्रिंग और वाल लॉक लगा के।
वाल लॉक को लगाना थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन आप वीडियो में देखिए हम कितने आसानी से वाल लॉक को लगाएंगे 10 नंबर स्पेनर की सहायता से। ये पहला लॉक लग चुका है, अब हम दूसरा वाल का लॉक लगाएंगे। ये भी बहुत ही आसानी से लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम कैमशाफ्ट रॉकर और रॉकर पिन को अच्छे से इसमें फिट कर देंगे, आप देख सकते हैं ये भी लग चुका है। हेड का जो रॉकर कैप होता है उसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट करने के बाद हेड भी रेडी है। अब हमारा हेड सिलेंडर दोनों रेडी है। सिलेंडर में हमने रिंग मिला के डाल लिया, हेड में हमने वाल सील डाल लिया, दोनों रेडी है। हम इंजन में इसको चढ़ा लेते हैं। इंजन में सिलेंडर को लगाते समय आपको पिस्टन को बाहर नहीं निकालना है। अगर पिस्टन को बाहर निकालते हैं फिर रिंग की दिशा चेंज हो जाती है और वो सही नहीं रहता है। आपको सिलेंडर में रहते ही पिस्टन को लगाना है, पिस्टन पिन लगाना है, पिस्टन लॉक लगाना है सावधानी से, जिस तरह वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। सिलेंडर लग चुका है, अब हम हेड को भी पैकिंग के साथ लगा लेते हैं। हेड सिलेंडर दोनों टाइट हो चुका है, अब हम टाइमिंग चेन गियर को भी लगा लेते हैं टाइमिंग मिला के। टाइमिंग मिलाने के लिए आपको पिस्टन को टॉप पर रखना है और इस गियर के मार्क को सीधे हेड के मार्क से मिला लेना है। टाइमिंग मिला के टाइमिंग गियर भी टाइट हो गया, अब हम इसका टाइपिड भी सेट कर लेंगे अच्छे से। टाइपिड सेट करने के लिए आपको साइड प्ले रखना है और ऊपर नीचे प्ले नहीं रखना है। अब इंजन रेडी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हो गई है। गाड़ी में से थोड़ा सा भी धुआं नहीं निकल रहा है, एकदम परफेक्ट बना है।
आप देख सकते हैं हम साइलेंसर खोल के स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं, जरा सा भी धुआं नहीं है। आरपीएम बढ़ा के गाड़ी रेस करके भी हम देख लिए हैं, बिल्कुल धुआं बंद हो गया है, गाड़ी एकदम ओके है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।